अस्सलाम वालेकुम। आज आपको शिजवान सूप बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए चिकन बोनलेस ली है आधा कप। इसको छोटे क्यूब में काट लिया है। आधा कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर, 2 से 3 कप चिकन स्टॉक, 1/4 कप बारीक कटे हुए मशरूम, 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ सब्ज़ प्याज, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस, 1/4 कप टमाटो केचप, नमक हसबे जायका, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 अदद अंडा। सूप बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें लहसुन डालकर इसको सोते कर लेंगे। लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें चिकन डालकर इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई कर लिया है। अब इसमें मशरूम, कटी हुई गाजर और कटी हुई गाजर डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बंद गोभी डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चिकन स्टॉक डाल देंगे। साथ ही इसमें काली मिर्च का पाउडर, नमक, चिली सॉस, टमाटो केचप और सोया सॉस डालकर मिक्स कर लेंगे। सूप को 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। सूप को 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें सब्ज़ प्याज डालकर मिक्स कर लेंगे। सूप को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर में हमने पानी को मिक्स कर दिया है। अब इसको सूप में डालकर इसको गाढ़ा कर लेंगे। जितना सूप आपको गाढ़ा चाहिए उतना आप कॉर्नफ्लावर डाल लें। सूप में कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अब इसमें अंडा डाल देंगे। अंडे को हमने पहले से फेंट लिया है। और इसको मिक्स कर लेंगे।
सूप में अंडा डालकर मिक्स कर दिया है। सूप तैयार है, अब इसको सर्व करेंगे। शेजवान सूप तैयार है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका सूप कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।